वो अगर किसी तरह से प्रेत को पकड़ने के बाद मान लगा रहे हैं, उनसे भी कहना है कि पांडाल में प्रेत को पकड़े, लेकिन पांडाल में किसी प्रेत में जाकर मार न लगाए, उसे मारन को उठा कर फेंक दें और वहां से सेनापति पकड़ लाएंगे और मंच के सामने जो सेनापति खड़े कर दिए गए, ये सेनापति स्वयं संभालेंगे। सेनापति किसी भी प्रेत को बक्से न, चाहे नर के रूप में हो चाहे नारी के रूप में किसी भी सवारी करता है, उसे बिल्कुल बक्सने की कोशिश नहीं करे सेनापति। बोली बालाजी महाराज की, बाबा का आदेश हो चुका है, सेनापति अपना कार्य प्रारंभ कर दीजिए। सेनापति जो पांडाल में छोड़ दिए हैं, एक एक के पास जाइए सेनापतियों, जहां जो भी बैठा हुआ है स्वयं ढूंढ ढूंढ के भूत प्रेत डाकू साइड में चढ़ल खींच किसी पे जो भी वास है वहीं से मार लगा दिए। घनघोर नर हो नारी हो बूढ़ा हो बच्चा किसी को बक्सेंगे नहीं, घनघोर आग मार लगाएंगे और वहीं से मारते हुए आप यहाँ लाके पटक देंगे। मंच के पास खड़े सेनापति, मंच के आसपास चारों तरफ लग जाइए, पूरी तरह से घनघोर में मार लगाइए, किसी को बक्सने की कोशिश न करें। जब तक बाबा आदेश नहीं करेंगे हमारा आदेश नहीं होगा, जैसे हम आदेश करें वैसे ही आप रुक जाएंगे। जब तक आदेश चलता रहे तब तक आप पालन करें। बोलिए बाला जी महाराज की जय, प्रधान सरकार। जो पुरुषों की तरफ सेनापति छोड़े गए हैं, पुरुषों की तरफ एक एक पुरुष को चेक करते हुए जाए, किसी भी भाई के ऊपर किसी भी पुरुष के ऊपर कोई भूत प्रेत है तुरंत उसमें चिंता बजाए, किसी को भी पकसने की कोशिश ना की जाए। जहां भी जो भी बैठे हुए हैं सेनापति एक एक को ढूंढते हुए जाए। दास की आज्ञा बाबा का आदेश हो चुका, तुरंत पालन होना चाहिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, राम सीता का दर्शन कराके मुझे, राम सीता का दर्शन कराके मुझे,
गाना बताए आपको, ये जो प्रेत खेल रहा है लास्ट में, ये प्रेत को 2 महीने पहले इसका बंदोबस्त हुआ था। ये जो प्रेत इस पर सवारी कर रहा है, 2 महीने पहले बंदोबस्त हुआ था। इसका लड़का और इसका पति आया था महिला का, मैंने ये कहा था आप बंदोबस्त कर दे रहे अपने घर पे, आप सत्संग करा था ना बंदोबस्त करवा रहे। ये पूंठा की रहने वाली है, हमने पहचान लिया सर, पूंठा की रहने वाली, सत्संग फाइनल हो गया। जो सत्संग धूपा जी को मिला वो सत्संग इसी के हाथ पर, देखिए बाबा की महिमा कितनी अलौकिक है। कल इसके लड़के से बात हुई, उसका फोन आया, बोले महाराज जी सत्संग ना करा पाएंगे, 12 घंटे नहीं करने दिए। जो प्रेत बाबा में पकड़े थे दोबारा फूल छोड़ दिए, उनसे बढ़ के कहा जाओ। ये अभी जब भाग के पहुंचे तो उसका पति बैठा हुआ था, वो महिला भी खेलने लगी, तो मुझे आवाज आ रही है कहीं वो पहला मालूम पड़ रही है, टूटा रहती है कोई काम नहीं सबके पास, सत्संग खाने उठा भगवान से बढ़ के कोई नहीं है साथ। अब इसका बंदोबस्त होना भी, और ये कम से कम 50 भगत को, इसका पति बैठा हुआ खुद बताएगा, 50 भगत के गया था, 50 थोड़ी बहुत नहीं, किसी भी भगत के माई मिला रही ताकत नहीं हुई, इसका प्रेत पकड़वा लेता है। और 2 महीने हो गए इसके प्रेत को पकड़वाए, कल इसके बच्चे ने मना कर दिया कि हम सत्संग नहीं कराएंगे, आज पहला ही दिन हुआ तब तक प्रेत बाबा ने खुद छोड़ा, उनसे बच के जा रही थी, उनकी नजर में तुम बेवकूफ समझते हो, बारह को कागज मारा जानते हो, तो घटघट राशि है पकड़ना जानते तो वो छोड़ना भी। अब ये तत्व ठोकर खाएंगे, हम आपसे कह रहे हैं क्योंकि बाबा भी नहीं सुनेंगे ऐसे लोग। अब सत्संग क्या, सत्संग तो फाइनल हो गया साहब, सत्संग तुरंत फाइनल हो गया। प्रार्थना है यही मेरी हमारी की, प्रार्थना है